पिछोर में बीती रात भर से हो रही बारिश से भारी तबाही हो गई है। किसानों के खेतों में रखी मूंगफली की फसल बारिश की वजह से बह गई है। इतना ही नहीं, किसानों के घरों में भी पानी भर गया है, जिसे किसान अपने छोटे छोटे बच्चों और अपनी महिलाओं सहित बीच रोड पर रहने को मजबूर हो गए हैं। जिससे नाराज पीड़ित किसानों ने आज सुबह जाम की सूचना मिलते ही भौती थाना प्रभारी संजय मिश्रा, नायब तहसीलदार पवन चंदेलिया और जिला पंचायत सदस्य मनीराम लोधी ने पीड़ित किसानों से मिलकर उनकी समस्या सुनी और उनको हर संभव मदद का आश्वासन दिया। परंतु नाराज किसानों का कहना है कि पिछले साल भी भारी बारिश के चलते उनका सब कुछ बर्बाद हो गया था और सिवाय आश्वासन के एक साल बीत जाने के बाद भी उनकी समस्याओं का हल नहीं हुआ है। पीड़ित किसानों का कहना है कि भौती कस्बे के पास अखाई नदी के समीप जो पुलिया बनी है वो बहुत छोटी है, जिससे कि बारिश का पानी भरने की वजह से उनके खेतों और घरों में भर जाता है, जिस वजह से उनको हर साल बहुत नुकसान होता है। एक साल बीत जाने पर भी उक्त पुलिया का पुनर्निर्माण नहीं हो सका है, जिस वजह से आज किसान परेशान हो रहे हैं। संवाददाता दीपक गुप्ता की रिपोर्ट। कितना नुकसान हो गया आपका? पूरा नुकसान है, पर का गल्ला पानी पर चला गया था। आसोदी साहब बिल्कुल गल्ला पानी नहीं बचाया, आटा बच्चे को खा भी नहीं, कुछ भी नहीं, पशु भी बह गए, आज पानी साहब बिल्कुल नहीं है। पर साहब कोई भी नुकसान नहीं मिला हमें, जितनी हमें लिखकर ले गए थे तहसीलदार पटवारी साहब, एक पैसा भी नहीं दिया। पिछले साल का कोई मुआवजा नहीं मिला? कोई भी मौका पैसा नहीं दिया। पिछले साल ही बहुत नुकसान हुआ था आप लोगों का, ऐसा हो गया था पूरी। इस साल भी ऐसा ही हो गया? ऐसा ही आसो साहब, रात के साहब 11 बजे से हम डूब गए। क्या क्या मांग है आपकी? अब आप मांग जो मांग है जी, महाराजा हर जानो दे दो, हर की पुलिया बन जाती। अच्छा, जो तुम जानो दिलवा दो जाम लगाने की बजाय। जाम की तो साहब कलेक्टर साहब आ जाएंगे जब जाम खुलेगा। आप कलेक्टर साहब को बुलाने की मांग करते हो? हाँ, बस कलेक्टर साहब की मांग है, कलेक्टर साहब आ जाएंगे जब जाम खुलेगा। आपके गेहूं वगैरह भीग गए कुछ खाने को? वो भी सब भी नहीं बचा है। खाने के लिए व्यवस्था है? नहीं है साहब, बिल्कुल नहीं है। खाने को भी नहीं बचा? नहीं है, बिल्कुल नहीं साहब। छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, दो दो साल के, एक साल के बच्चे लगे हैं, और हमें कोई भी खाने की व्यवस्था नहीं है। और साहब चाहे संजय यहाँ कलेक्टर साहब है नहीं, मर को मंजूर है बच्चे को नाम को, तो जाम नहीं खुले। क्या नाम है? अब्दू। कितना नुकसान हो गया तो बारिश हुई थी रात में? बहुत नुकसान हो गया है, गन्नों का मोल मिला ना, खावे नाल नहीं बचा है, खली है साहब दे गया भाई। अच्छा, तो अभी कोई अधिकारी आए हैं क्या? अरे नहीं आया साहब। अच्छा हाँ, तो अगली साल भी तुम्हारे साथ ऐसा ही हुआ था? अगली साल बाद तो कुछ नहीं मिला साहब, बड़ी माड़ा मंजूरी कर खिंचा, जैसे पल पाया सो आसो, फिर नुकसान हो गया, पर घर मकान गिर पड़े जौन, कुछ नहीं मिला है। कुटी नहीं बनी तुम्हारी? नहीं बिल्कुल नहीं, देते नहीं, पैसे नहीं देंगे आठ में, कुटी कहाँ से बन जा? नहीं तो कुटी तो सरकार द्वारा मिलती है, कुछ देते ही नहीं है। कहाँ से आता है पानी, कैसे भर जाता है? फॉर्म साहब पुलिया में फॉर्म नहीं कर पा रहा। कौन सी पुलिया? जन नहर की, छोटी है। हाँ बस छोटी पुलिया, फॉर्म नहीं कर पा रहा, हमारा सब नुकसान हो रहा, 3 जने को नुकसान हो गया ज़्यादा। सर इन लोगों का कितना नुकसान हो गया रात में जो बारिश हुई थी? अभी जो नुकसान हुआ है उसके लिए सर्वे दल बनाएंगे हम, और सर्वे दल उसकी विधिवत जांच करेगा, जांच उपरांत जो नुकसान होगा उसकी मुआवजा राशि नियमानुसार हमने दी। और कोई अधिकारी आ रहा है क्या आपके पास यहाँ? हाँ ये एक्चुअल में जो समस्या उन्होंने पुलिया की बताई है, जिसकी वजह से ये जो देख रहे हैं अपन पानी का भराव, उसकी वजह से हो पाता है निकासी प्रॉपर नहीं हो पाती, तो उसके लिए हमने SDO को बोल दिया है एरीगेशन, तो वो आ रहे हैं। सर इससे पिछली साल भी ऐसी स्थिति बनी थी, इतना ही नुकसान, इससे ज़्यादा ही नुकसान हुआ था, फिर भी सर एक साल तक अभी कुछ नहीं हो पाया? नहीं नहीं तत्समय जो भी पात्र लोग होंगे, जैसा भी सर्वे दल ने लिखा होगा उसके अनुसार उसका निराकरण हो गया होगा तत्समय।